हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है $60,000 के आसपास चला गया था, बट फिर से वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। एंड साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे बिटकॉइन का ओवरऑल मार्केट का क्या कहता है कि ऑल्टकॉइन आने वाले टाइम में क्या कर सकता है। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है दोस्तों उस पर फॉलो करना चाहते हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर टेलीग्राम हो, तो उसके जो लिंक है दोस्तों वो नीचे वीडियो के स्क्रॉल हो रहा होगा। एंड साथ ही साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वेबसाइट cryptoinsidertea.blogspot.com पे मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग के लिए, इवन दो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन आप मेरा ओपिनियन चाहते हो तो आप जरूर मेरे वेबसाइट cryptoinsidertea.blogspot.com के जाके वहाँ पे जो भी फॉर्म अवेलेबल है उसे फिल कर दीजिएगा। एंड गाइज, याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल पे पिछले 24 आवर्स में जो है कैंडल जो है ओवरऑल डोजी कैंडल क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट डोजी कैंडल बन गया है। पिछले 3 दिनों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मार्केट है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, एंड काफी तेजी के साथ अगर वो नीचे जाता है दोस्तों तो उतनी ही तेजी के साथ वो ऊपर आ जाता है। ये पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली था जारी, लेकिन आज जो है फाइनली पिछले पिछले 24 आवर का जो कैंडल है वो कंप्लीट डोजी कैंडल बना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% डोजी कैंडल बन गया है, यानी कि कंप्लीट मार्केट इनडिसिसिव मोड पे है। मैकडी और आरएसआई जो कहता है वो कह रहा है कि इसे नीचे जाना है एंड इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस फर्दर नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये बार बार नीचे जाता है, डेली जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर से ऊपर आ जाता है। एंड जितने बार ये नीचे जाता है उतनी बार आपका ऑल्टकॉइन सर्च करता हुआ दिख रहा होगा आपको, चाहे बीटीसी के टर्म में हो चाहे यूएसडी के टर्म में हो, लेकिन जितने बार ये ऊपर चला जाता है दोस्तों उतनी ही बार ऑल्टकॉइन में वो करेक्शन आ जाता है। तो ये मोमेंटम जो पिछले 1 महीने से चल रहा है वो अभी भी जारी है एंड अभी भी हमें कोई साइन नहीं मिल रहा है जिससे कंफर्मेशन के साथ इसके नीचे ब्रेकआउट हो। एंड जब तक ये इसके नीचे बैक टू बैक 2 या 3 दिन तक क्लोज नहीं लेगा कैंडल का दोस्तों, तब तक ये कहना कि ऑल सीजन में वो पेस जिसकी हमें जरूरत है वो अभी देखने को मिलेगा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, तो वो कहना मुश्किल होगा। तो जो भी होगा अपडेट वो मैं आप लोगों को डेली अपडेट करता ही रहता हूं। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई इमीडिएट चेंज होगा चार्ट पैटर्न में तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूंगा, तो मेक श्योर कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो। वीकली कैंडल जो है ऑलमोस्ट रेड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक टू बैक नीचे जा रहा है, लेकिन इसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली अभी नेक्स्ट 3 डेज बाकी है इस वीकली कैंडल क्लोज होने में, तो वीकली कैंडल क्लोज होता है अगर नीचे इस लेवल के आसपास एंड वापस से फर्दर डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखता है, तो नो डाउट हमारा जो ऑल्ट सीजन में जो स्पेस की हमें तलाश है वो आने वाले नेक्स्ट 2 या 3 वीक्स में आपको दिख सकता है। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करता है कि इस वीक का कैंडल कैसा क्लोज होता है, नेक्स्ट वीक का कैंडल कैसे बनता है दोस्तों। एंड ऑब्वियसली वीकली कैंडल कैसे बनता है, डेली कैंडल के बेसिस पे, तो हमें डेली कैंडल का मोमेंटम जो है नीचे की तरफ चाहिए। फिलहाल जो है साइडवेज मोमेंटम जारी है, मैकडी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल बन गया, आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बना रखा है। अगर ये जिस लेवल से नीचे जाता है अगर वहां पे कैंडल क्लोज होता है तो ऑब्वियसली हमें बहुत तेजी से शार्प मोमेंटम दिखेगा नीचे की तरफ, लेकिन ये वाला जोन जो है लगभग 60.82 का या फिर कह लो 60 से लेकर 61 का लेवल, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है महीनों भर से दोस्तों हमें जब तक इससे नीचे क्लोज नहीं मिलता तब तक चार्ट पे कहना कुछ भी मुश्किल है। अब चलता हूँ बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, कल बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट $60,000 के आसपास चला गया था इवनिंग के टाइम में, एंड वापस डेली कैंडल जो क्लोज हुआ है वो अल्टीमेटली नीचे ही क्लोज हुआ। एंड जो हमारा जोन है साइडवेज मोमेंटम की जिसकी मैं बात करते रहता हूँ वो अल्टीमेटली उसी जोन में है, यानी कि अभी भी जो है हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो अभी भी वैलिड है। अगर मैं जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँ तो स्टिल ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि ये लोअर लो बनाते जा रहा है दोस्तों। एंड मैंने जब ये मोमेंटम ले रहा था 59,000 के ऊपर, उसी वक्त टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट किया था कि अगर वॉल्यूम नहीं आता तो इट क्वाइट पॉसिबल कि अभी भी 50,000 प्लस तक हम रिट्रेस कर सकते हैं, स्टिल वैलिड। एंड जी हाँ, वॉल्यूम कल नहीं आया एंड उसका असर देखिए कि वो कुछ आवर्स के लिए ऊपर जरूर गया लेकिन अल्टीमेटली नीचे जा रहा है दोस्तों। एंड आज का जो कैंडल अभी ओपन हुआ है वो भी अल्टीमेटली नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। जो मैकडी है वन डे के चार्ट पे वो ऑलमोस्ट जो नेग्लिजिबल ग्रीन बना हुआ था वो अब वापस से रेड बनना शुरू हो गया। तो क्या ये वापस से 20 EMA रिटेस्ट करेगा? तो जी हाँ बिल्कुल, वन डे के चार्ट पे 20 EMA रिटेस्ट करेगा, जो कि है लगभग 54,500 का लेवल। एंड क्या उसके नीचे जा सकता है? तो डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करता है कि ये 20 EMA इसको कैसा सपोर्ट देता है। अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ, 4 आवर के कैंडल्स पर आपको दिखेगा कि एक काफी तेजी से सर्ज होने के बाद कल उतनी ही तेजी से ये नीचे गया, प्राइस फॉल हुआ है एंड उसके बाद ये बैक टू बैक नीचे फॉल हो रहा है दोस्तों। अभी जो है हमें 20 EMA जो है हम रिटेस्ट कर रहे हैं, 50 EMA हमें सपोर्ट दे रहा है, मैकडी जो है निग्लिजिबल बना हुआ है एंड आरएसआई पैरेलल मोमेंटम बना हुआ है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि अभी आने वाले नेक्स्ट जो 12 आवर्स है उसमें कैसे बिहेव करता है, उसके बेसिस मैकडी और आरएसआई का जो लेवल है वो चेंज हो सकता है दोस्तों। ज्यादा क्लियरिटी के लिए अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं, 1 आवर के चार्ट पे आपको देखो बाउंस बैक मिल रहा है कहां से, लगभग लगभग 200 EMA से। जी हाँ, 200 EMA बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है 1 आवर के चार्ट पे एंड वहां से बाउंस बैक कर रहा है एंड वापस से हम 50 EMA को हम रीटेस्ट करने वाले हैं एंड अभी जो है हम रीटेस्ट कर रहे हैं लगभग 100 EMA। तो गाइज, अगर मैं ईएमए रिवन ओपन करूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा वापस से जो ये टर्न अराउंड हुआ था, जो कल मिला था इसे बुलिश मोमेंटम यहाँ पे, ऑल्दो 1 आवर के चार्ट पे आपको वॉल्यूम दिखेगा लेकिन
गाइस, वन डे के चार्ट पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। जी हाँ, कंपेरेटिवली आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, लेकिन आप कंपेरिजन करोगे प्रीवियस मूव से तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मूव जो अभी आया था रिसेंटली पास्ट आवर्स में दोस्तों। एंड ये मोमेंटम के बाद वापस से हम नीचे चले गए हैं। हमारा जो ईएमए रिवन है वो बिल्कुल स्क्यूज हो गया है, बिल्कुल ही शॉर्ट हो गया है। तो क्या ये मोमेंटम वापस से नीचे चला जाएगा? तो जैसे ही ये मोमेंटम टर्न अराउंड होता है, बिल्कुल ही हम बेयरिश हो जाएंगे शॉर्ट टर्म में दोस्तों। एंड अभी के लिए जो है हमें 200 ईएमए जरूर सपोर्ट दे रहा है 1 आवर के चार्ट पे, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिलता है लगभग 57,500 के आसपास। अगर मिलता है गाइस तो हम नीचे का लेवल वापस से रिटेस्ट करते रहेंगे। एंड नीचे का लेवल अगर जाता है तो अभी तक हम हायर लोज बना रहे हैं इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर ये कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे जाता है लगभग 54,300 के नीचे डेली का 54,300 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है अवर्ली, तो गाइस हम फिर से लोअर लो बनाना शुरू कर देंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो पहला टारगेट होगा 53,000 एंड उसके बाद जो है हम वापस से 50,000 लेवल टेस्ट कर सकते हैं। अभी साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है। एंड अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो ईएमए रिवन जो है अभी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है इसे। आप देखोगे कितना डिप चला गया था, ये ऑलमोस्ट इस लेवल तक चला गया था लेकिन वापस से पुश बैक मिला इसे। तो देखने वाली बात होगी कि कैंडल कहाँ क्लोज होता है। अभी ऑब्वियसली 2 आवर्स बाकी है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रहा, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से रिट्रेस करें इस लेवल को। एंड जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे उतना ही ज्यादा हम वीक होते जाएंगे ऑन द डेली चार्ट गाइस। अभी जो है डेली चार्ट पे हमें जो है 54,000 या कह सकते हो 55,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। एंड यहाँ इस लेवल को हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारा डेली कैंडल 55,000 के बिलो क्लोज होता है यानी कि 54,800 कह लो, 800 के बिलो क्लोज होता है, तो क्वाइट पॉसिबल कि हम नीचे के लेवल को आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गया बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले टाइम में। वही ऊपर का लेवल अभी भी जो है पहला जो होगा मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको ऑल टाइम हाई से मिलेगा, जो कि लगभग 62,000 से लेकर 61,000 के बीच में बना हुआ है। एंड ऑब्वियसली अभी जो हमने रिसेंटली क्लोज किया कैंडल वो लोअर हाई बना रहा है, तो इट सीम्स बियरिश। बट गाइज वॉल्यूम अगर आ गया तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक वॉल्यूम हमें जिसकी तलाश है वो नहीं आया है, तो वी कांट से कि ये एग्जैक्टली नीचे ही जाएगा। अगर वॉल्यूम आता है तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर वहीं ये ऊपर जाता है विदाउट एनी वॉल्यूम, इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले दिनों में वापस से नीचे भी आ सकता है। तो ये हो गया बिटकॉइन का चार्ट। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे मैंने थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज किया है डब्ल्यू पैटर्न को। एंड आप देखोगे कि अभी जो है हम बिल्कुल ट्रेंड के अंदर है। एंड जी हाँ, कल भी जो मोमेंटम है बैक टू बैक जो बिटकॉइन ने जो मूव दिखाया उसकी वजह से ऑल्दो ये ग्रीन कैंडल बन गया था, वापस से रेड कैंडल क्लोज हुआ ड्यू टू बिटकॉइन शार्प मोमेंटम दोस्तों। मैग्डी जो है ऑलमोस्ट जो है नेगलिजिबल बना हुआ है, RSI जो है पैरेलल मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन जो पैटर्न कहता है इस जगह पे काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इस जगह पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। लेकिन रिवर्सल तब दिखाएगा दोस्तों जब मार्केट में मोमेंटम बने। एंड मोमेंटम अगर बनता है तो अभी भी डब्ल्यू पैटर्न। एंड अभी जो फिलहाल जो है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में इसे जो है अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो भी हमें जो 20 EMA है आने वाले टाइम में यानी आने वाले दिनों में हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे सकता है जैसे यहाँ पे दिया। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट आने वाले 2 या 4 दिनों में बिल्कुल ही इसके पास मोमेंटम के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली से ब्रेकआउट करना होगा या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बार बार, तो क्वाइट पॉसिबल कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। एंड ब्रेकआउट होगा तो डब्ल्यू पैटर्न अभी भी वैलिड है। अगर कोई भी फ्यूचर में चार्ट पैटर्न में चेंजेस आते हैं तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे चलते हैं। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे 20 EMA अगेन से फिर से जो है हमें कल भी सपोर्ट देता हुआ दिखा, अल्टीमेटली नीचे गया है। वो बिटकॉइन के प्राइस सर्च के बाद वो थोड़ी देर के लिए ऊपर चला गया था, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन ने वापस डाउन मोमेंटम दिखाया यूएसडी ग्राफ पे फिर से ये डाउन चला गया दोस्तों। एंड अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि 20 EMA बार बार इसको रेजिस्टेंस दे रहा है और इसे पुश कर रहा है नीचे की तरफ। तो जब तक ये 20 EMA को ऊपर वापस से नहीं जाता है तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऊपर का मूव। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों जो 4 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे कि हमें जो 100 EMA है वो बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, 20 EMA हमें रेजिस्टेंस दे रहा है बैक टू बैक, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे हम इसी जोन में बैक टू बैक ट्रेवल करें आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में। एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे हम 20 EMA वापस से रिटेस्ट जो अभी करेंटली लेवल को कर रहे हैं इसको हम शायद ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, और ब्रेकआउट अगर करेंगे तो हम $1,600 तक जा सकते हैं। एंड याद रखना बिटकॉइन अगर नीचे गिरता है तो यूएसडी डॉलर में हमारा इथेरियम नीचे वो जाता हुआ दिख सकता है, स्पेशली जब इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे हमें सर्च नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी होगा हाल में आपको बताता रहूंगा। अभी फिलहाल अगर अपर जोन की बात करूं तो अपर जोन जो है लगभग $2,100 तक का लेवल जो है पॉसिबल है। एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ऊपर का लेवल रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन इस लेवल पे बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है, तो अब जो है ये हर एक लेवल जो है इसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेजर रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो $1,921 के पास मिलेगा, और मेजर जो सपोर्ट है वो $1,600 के आसपास मिलेगा। अभी फिलहाल जो है 20 EMA सपोर्ट दे रहा है जो कि डेफिनेटली अच्छा सपोर्ट देगा। एंड जो भी होगा शॉर्ट टर्म में वो हमें थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिख सकता है 20 EMA रीटेस्ट करने के बाद। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट होता है देन ऊपर का लेवल, अदरवाइज फिर नीचे हम डिप करते हुए देख सकते हैं इथेरियम को। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन, इथेरियम एंड जो ऑल्टकॉइन का जो ओवरऑल प्रोग्रेस हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर में वो मैंने आपको बता दिया। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल अभी हमारा जो है नीचे जा रहा है, एंड ये जितना तेजी से नीचे जाएगा गाइस, एंड अगर वहां पे डेली कैंडल क्लोज करता है उतना ही अच्छा होगा ऑल्टकॉइन के
ओवरऑल ग्रोथ के लिए दोस्तों। अभी के लिए जो फिलहाल है ये जो है मोमेंटम नीचे की तरफ बना हुआ है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम आने वाले नेक्स्ट कुछ आवर्स के लिए तो कंटिन्यूसली नीचे जाएंगे, देन उसके बाद पॉसिबिलिटीज है कि हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए जो है वो हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हम आज भी जो है रेड कैंडल बनाएंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, एज पर जो भी मैकडी सपोर्ट कर रहा है, जो आरएसआई कह रहा है, एंड एज पर जो भी ट्रेंड कह रहा है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आप लोगों के कमेंट ले लेता हूं जो कि कल आपने वीडियो में पूछा होगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाके वहां पे लाइव डिस्कशन का फॉर्म फिल कर सकते हो। याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, फिर भी आप मेरा ओपिनियन चाहते हो या मेरे साथ किसी टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हो तो आप जरूर पर्सनल डिस्कशन के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हो। याद रखना ये कोई फ्री नहीं है सर्विस, ये जो है पेड है, जो भी चार्जेज है वो यहाँ पे अवेलेबल है, एंड मैं आपको सामने से जब कंफर्म करूंगा उसके बाद ही आप पेमेंट करना। इसके अलावा गाइस आप मुझे अबाउट मी सेक्शन में जाकर मेरे जितने भी ऑफिशियल लिंक है सोशल हैंडल के वो फाइंड आउट कर सकते हो, मेरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछो कि मैं कौन कौन से एक्सचेंजेस रिकमेंड करता हूं, तो मेरा बेस्ट एंड फेवरेट है बाइनेंस। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर वन एक्सचेंज है, एंड गाइस अगर आप बाइनेंस पर अभी तक अकाउंट नहीं बनाओ तो फटाफट बना लो क्योंकि ये फ्री है अकाउंट बनाना, एंड इस लिंक के थ्रू अगर बनाओगे या फिर इस कूपन कोड को यूज करके अगर अपना अकाउंट बनाते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फी पे। तो आपका नुकसान नहीं है, जाके अकाउंट बना लो, जब भी फ्यूचर में ट्रेडिंग करोगे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एंड इसके अलावा दोस्तों आप इंडियन यूजर हो तो अगर बाइनेंस यूज करते हो तो वजीरएक्स रिकमेंडेड रहेगा, क्योंकि फ्री में आप इन दोनों एक्सचेंज पे आप कुछ पॉइंट फ्री में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे करना सारा कुछ वीडियो बना रखा है, जाके वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लो गाइस। एंड इसके अलावा बिटबाइनेंस वन इंच का भी लिंक बना हुआ है, आप अगर टीए करना चाहते हो तो उसका भी लिंक यहाँ पे बना हुआ है, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो फ्री में $30 मिलेगा गाइस जब भी आप अपग्रेड करोगे। इसके अलावा आप पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं जानते हो तो पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मैंने पूरा तरीका आपको बता रखा है वीडियो में, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ट्रेडिंग बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का प्लेलिस्ट चेक करना एंड उसके अंदर फाइंड आउट कर लेना। उसके साथ इस सीट को भी मैंने आपको एक्सेल सीट फ्री में दिया है, जिसमें आप फ्री में अपना INR में, USD में एंड BTC पेयर में आप अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो, वो भी रियल टाइम डेटा के साथ। तो इस फ्री में सीट को यूज करने के लिए इसको डाउनलोड कर लेना, एंड इसको कैसे यूज करना है इसका डेमो का वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना गाइस। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास क्रिप्टो से रिलेटेड ज्यादा बड़ा अमाउंट है, आप होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में, तो मैं रिकमेंड करूंगा सेफपल जो है हार्डवेयर वॉलेट है, बाइनेंस ने लाया है और ये काफी अच्छा वॉलेट है, बहुत सारे नए फीचर के साथ, नए सिक्योरिटी फीचर के साथ, साथ ही साथ नए सारे कॉइन्स जो है वो सपोर्ट करता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा सेफपल। इसके अलावा आप लेजर का भी ले सकते हो, ट्रेजर का भी ले सकते हो, कोल्ड कार्ड बिटकॉइन हार्डवेयर एंड कूल हार्डवेयर वॉलेट भी परचेस कर सकते हो। तो गाइज अभी ना देरी के लेता हूं आपके कमेंट्स, कल का वीडियो के अगर कमेंट्स मैं लोड करूं तो टोटल जो है 33 यूनिक कमेंट्स आए हैं। गाइज आप भी चाहते हो कि आपके कमेंट्स को मैं लूं नेक्स्ट वीडियो में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अगर मैं विनर को पिक करूं तो देखता हूं मयंक कुमार का जो है कमेंट सेलेक्ट हुआ है, इन्होंने लिखा है क्वांटम USB पंप नहीं हुए हैं, राइट बिल्कुल। आप अगर कंपैरिजन करो कि बाकी के ऑल्टकॉइन के कंपैरिजन में जो EOS है वो बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्वांटम भी कहीं ना कहीं कम किया हुआ है। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको अगर मैं क्विकली आप लोगों को EOS का ग्राफ दिखा दूं तो EOS जो आपका BTC का ग्राफ कह रहा है कि आप देखोगे कि अभी 20 EMA के नीचे हम कंटिन्यूसली बने हुए हैं एंड 20 EMA के नीचे हम कुछ W पैटर्न बनाने वाले हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले दिनों में हमें बहुत तेज सार मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ दिखे, एंड स्पेशली जब RSI जो है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया एंड एक तरीके से बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। एंड थैंक यू मयंक जी, आपने क्वेश्चन पूछा, सो दैट मैं आपको EOS के ग्राफ पे एक जो अपडेट आया मेजर वो मैं आप लोगों को दिखा दूं, एंड ये काफी बुलिश है, तो जिन लोगों को इंतजार है हो सकता है उनका इंतजार अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है गाइस। स्पेशली EOS के BTC चार्ट पे जो मुझे दिख रहा है पैटर्न, अगर आप देखोगे तो RSI जो है हायर लोज बना रहा है, राइट, एंड लेकिन जो प्राइस जो है कंपेरेटिवली यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, यानी कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है, प्योर एग्जांपल ऑफ जो बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, इसे कहते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, यानी कि आपका RSI जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग जो है 16% रिपोर्ट हुआ था, एंड अभी जो रिसेंटली जो लो बना है वो लगभग 20% के अराउंड में है, लेकिन प्राइस देखोगे इस लेवल पे लगभग 651 सतोसी है, एंड इसका अगर लोअर देखोगे तो 694 सतोसी है, यानी कि 694 सतोसी से 651 सतोसी लो है। अगर मैं कैंडल क्लोज की भी बात करूं तो 666 के अराउंड क्लोज हुआ था, और ये जो हुआ था ये 772 के अराउंड क्लोज हुआ था, यानी कि ये हाई बना रहा है, ये लो बना रहा है, यहाँ पे ये लो है और ये हाई है, और इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। यानी बुलिश डाइवर्जेंस जब दिख जाए और ये वीकली चार्ट पे गाइस तो रिवर्सल कंफर्म है। अब ये कुछ शायद हो सकता है क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले नेक्स्ट एक या दो वीक में आपको क्विक यहाँ पे पंप आउट देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे बनेगा और ये 20 EMA के ऊपर आ जाएगा, और एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो US के चार्ट पे जिस हमें रिवर्सल की जरूरत है वो हमें देखने को मिलेगा। और याद रखना यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो W पैटर्न बनेगा, W पैटर्न बनता है तो ये भी बहुत बुलिश हो जाएगा नेक्स्ट आने वाले 2 to 4 वीक के अंदर दोस्तों, एंड कुछ ऐसा ही सार मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं स्पेशली टारगेट की बात करूं तो अभी ऑब्वियसली हम लोअर लो बना रहे हैं, और इसका जो पहला मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वीकली चार्ट पे वो मिलेगा लगभग 6000 सतोसी के आसपास, एंड ऑब्वियसली जो इसका गोल्डन रेशियो है वो लगभग 0.0015 सतोसी तक पहुंच जाएगा दोस्तों। एंड जो न्यू टारगेट है वो मैंने US के वीडियो में बता रखा है, मिनिमम जो है वो होगा ऑल टाइम हाई नया क्रिएट करेगा लगभग 0.0039, यानी कि आप अभी 7
100 सतोसी के आसपास ट्रेड कर रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले कुछ वीक्स में या फिर कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकता है यूएस न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए, एंड जो न्यू ऑल टाइम हाई होगा वो कम से कम जो होगा 0.039 तक हो सकता है, यानी कि अभी के लेवल से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50x कर देगा आपके बिटकॉइन को। जी हाँ, 50x कर देगा। और आप जिन लोगों को ये सरप्राइजिंग लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है जब ये इतना डाउन ट्रेंड है, तो याद रखना गाइस कि ये जो पैटर्न है ना, ये बुल मार्केट में स्पेशली ऑल सीजन में चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आप जाओ एडीए का ग्राफ देखो, आप जाओ और मैटिक का ग्राफ देखो, आप जाओ और बाइनेंस का ग्राफ देखो, तो ऑल सीजन में ना बैक टू बैक पंप करेंगे, और जब करते हैं तो कुछ ऐसा ही मोमेंटम दिखता है कुछ वीक्स तक बैक टू बैक दोस्तों। तो ये हो गया आपका यूएस का मैंग जी। अब मैं क्वांटम का अगर बात करूँ, वही अगर मैं क्वांटम की ग्राफ की बात करूँ तो मैंग जी आपको दिखेगा कि वीकली चार्ट पे इसमें प्रोग्रेसिव मूव दिखा चुका है, एंड अभी 20 EMA जो है रेजिस्टेंस दे रहा है, एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि RSI हायर लोज बना रहा है, यानी कि जो ये मोमेंटम है ये ऑलमोस्ट लास्ट वीक कह सकते हो या फिर लास्ट टू लास्ट वीक कह सकते हो जब ये 20 EMA के ऊपर है। एक बार ये 20 EMA के ऊपर क्लोज कर देता है, अगर मान लो इसी वीक इसके ऊपर क्लोज कर लेता तो नेक्स्ट वीक हम 20 EMA को रिटेस्ट करेंगे एंड देन हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। टारगेट क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीकली चार्ट पे जो ग्राफ अवेलेबल है उसके हिसाब से 2018 से बुल रन के कंपेरिजन में अगर देखें तो सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस मिलेगा 0.0014 के आसपास मिलेगा, एंड जो उसका न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा वो मेरा मानना है गाइस 0.0096 के आसपास हो सकता है। तो मैंने आपको क्वांटम और यूएस का दोनों का बता दिया, वीकली चार्ट पे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज बहुत ही बुलिश है। अगर आपने एंट्री नहीं बनाया और आप इंटरेस्टेड हो तो क्वांटम में भी एंट्री बना सकते हो, बहुत ही बुलिश दिख रहा है, एंड यूएस भी बहुत ही बुलिश दिख रहा है। तो होपफुली मैंग जी आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। अभी आपने जो कहा कि पंप नहीं हुए, बिल्कुल पंप नहीं हुए, लेकिन पंप होने वाले हैं एंड ये आपकी उम्मीद से भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा अगर एंट्री बनाए हो तो होल्ड करके रखना जो मैंने टारगेट आपको बताया BTC के ग्राफ में। एंड जो लोग पूछेंगे इसके बाद कि USD में क्या हो सकता है, तो यार आप कन्वर्ट करके देख लेना, ये रिलेटिव वैल्यू होता है एज टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का उस टाइम में क्या वैल्यू होगा उसके हिसाब से USD की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी रिलेटिव वैल्यू अगर मैं एग्जैक्ट प्रिडिक्शन की बात करूं तो बेस्ट होता है कि BTC चार्ट का ऑल्टकॉइन को प्रेडिक्ट करना आसान होता है, ऑल्ट कॉइन को USD ग्राफ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो रिलेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बिटकॉइन भी बढ़ रहा होता है या बिटकॉइन घट भी रहा होता है, और ऑल्ट कॉइन बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो इस वजह से मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ BTC चार्ट पे आपको एक्यूरेसी के साथ बताने की, फ्यूचर में अगर कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। होपफुली मैंग जी आपको आंसर मिल गया, एंड गाइस आप भी चाहते हो कि मैंग जी की तरह आपके जो है क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में आंसर किया जाए, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो के नीचे ना कमेंट करके जरूर अपने क्वेश्चन सुझाव या फिर जो भी आपके विचार है वो आप जरूर लिखें, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।